बुखार है और आपको थर्मामीटर में बुखार नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि आपको बुखार है, आपका शरीर हल्का सा गर्म रहता है, स्टिफनेस रहती है, आपको स्वेलिंग रहती है और आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली एक्टिव नहीं हो पाती है, आपको प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं लगता है, प्रॉपर एनर्जी नहीं महसूस होती है, फंक्शनल वीकनेस रहती है, तो फिर आपको स्लो ग्रेड फीवर हो सकता है या इवनिंग या नाइट टाइम जो फीवर होता है वो आपको हो सकता है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बुखार थर्मामीटर में नहीं आता लेकिन बुखार लगता है, बुखार रहता है, ऐसा क्यों होता है और इसका फिर क्या समाधान है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉज है, उस पर हम बात करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 decades से इन साउथ दिल्ली छतरपुर एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लगभग 2 decade का जो मेरा एक्सपीरियंस है एज ए ट्रीटिंग द फीवर इन्फेक्शंस और द लाइफ स्टाइल डिजीज, और जो हमारे पास रिसर्च का क्लिनिकल डेटा है, जो अपडेटेड डेटा है, उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और चीजों को समझने की कोशिश करिए तो आपको इससे बहुत बड़े फायदे होंगे और आपका जो कंफ्यूजन है और जो आपकी प्रॉब्लम है शायद वो सॉल्व हो जाएगी। देखो, सबसे पहले बुनियादी एक बात समझनी होगी आपको कि जो बच्चे होते हैं उनका जो टेम्परेचर है वो लगभग 1 से 1.5 degrees centigrade मतलब नॉर्मली ज्यादा होता है आदमी से, क्योंकि बच्चों में ब्लड का फ्लो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, तो उस कारण जो बॉडी हीट है वो बच्चों में थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो बच्चों का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मली 95 से 100 के बीच रहेगा और इसको हम नॉर्मल ही मानते हैं। यदि इस रेंज में बच्चे का टेम्परेचर रहता है बॉडी का तो बिल्कुल नॉर्मल आप इसको कंसिडर करिए। उसके बाद आता है कि नॉर्मल एडल्ट मेल और फीमेल का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है, वो नॉर्मली 94 से 98.6 के बीच में या 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड आपको महसूस होगा। दूसरी चीजें हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत सारे फैक्टर के कारण, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के कारण वेरी भी कर सकता है, लेकिन यदि आपको लो ग्रेड फीवर है या इवनिंग फीवर है या नाइट टाइम फीवर है, तो जो इवनिंग का आपका फीवर है या नाइट टाइम जो फीवर है या माइल्ड लो ग्रेड फीवर है, उसके कुछ कॉज हो सकते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो, कोई भी यदि आपको इन्फेक्शन हुआ, वायरल हुआ या टाइफाइड हुआ या मलेरिया हुआ या सीजनल फीवर हुआ या कफ एंड कोल्ड फ्लू हुआ, तो फर्स्ट 2 से 3 days आपको हाई ग्रेड फीवर आएगा और 90% केसेस में यह देखा जाता है कि फर्स्ट 2 या 3 days हाई ग्रेड फीवर रहता है, जो कि थर्मामीटर में भी विजिबल होता है, 102 या 103 तक जाता है। लेकिन 3 days के बाद बॉडी ना अपना जो नेचर है वो बदल देती है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी खुद से डील करने की कोशिश करती है, प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करती है, प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश करती है। उस कारण बॉडी हाई ग्रेड टेम्परेचर शो नहीं करती आफ्टर 3 days। आफ्टर 3 days दूसरे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, जैसे हेडेक हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, पिडलियों में दर्द हो सकता है, हाथ पैर में दर्द हो सकता है, आपको वीकनेस लग सकती है, आपको फटीग हो सकती है, आपको फंक्शनल वीकनेस लग सकती है, आपकी स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो दूसरे जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं वो आपको स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक कारण होता है कि आपने यदि राइट मैनेजमेंट नहीं दिया है, राइट ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो कई बार 3 दिन के बाद यदि इस तरह का कोई बॉडी के अंदर इन्फेक्शन यदि बॉडी कैरी कर रही है तो फीवर लो ग्रेड हो जाएगा लेकिन दूसरे सिम्टम्स आपको विजिबल होंगे और दूसरे तरह के सिम्टम्स आपको आने लगेंगे। यदि कॉमन कोल्ड है तो उसमें लो ग्रेड फीवर हो सकता है, फ्लू है उसमें COVID-19 है या आपका ईयर नोज थ्रॉट का इन्फेक्शन है, ईयर नोज थ्रॉट के इन्फेक्शन में भी हाई ग्रेड फीवर नहीं आता है, लो ग्रेड फीवर ही आएगा। आपको सॉर थ्रॉट है, यदि फेरेंजाइटिस है, गले का कोई इन्फेक्शन है, तो उसमें भी लो ग्रेड फीवर रहेगा। UTI में 90% लोगों को लो ग्रेड फीवर होता है, या फीवर इवनिंग में होगा या फिर थोड़ा सा ठंड लगती है, मतलब फ्रेरी लगती है, आपको थोड़ा सा चिली महसूस होता है, उसके साथ आपको फीवर आता है। और यदि आपको UTI है तो लोअर एब्डोमेन यानी पेट के निचले हिस्से में और जो आपका पेल्विक रीजन है उधर आपको हल्का सा स्टिफनेस, स्वेलिंग लग सकता है, दर्द लग सकता है, उसके साथ आपके UTI के सिम्टम्स विजिबल होते हैं। यदि किसी को लो इम्यूनिटी है तो आपको लो ग्रेड फीवर, थकान लग सकती है, इवनिंग में पेन हो सकता है, स्टिफनेस हो सकती है।
यदि विटामिन डी B12 की डेफिशिएंसी है तो इवनिंग में आपको बॉडी टेम्परेचर लग सकता है, थकान हो सकती है और दूसरी भी प्रॉब्लम्स विजिबली आपको दिखाई दे सकती हैं। अब आता है ट्यूबरक्लोसिस। यदि आर्थराइटिस है या फिर आपको ट्यूबरक्लोसिस है तो इवनिंग में कई बार देखा जाता है कि थकान होती है, फीवर लगता है और मॉर्निंग में आपको थोड़ा सा स्टिफनेस लगती है, तो ये सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। यदि आपको लो ग्रेड फीवर रहता है या आपको इवनिंग में फीवर होता है या आपको नाइट टाइम फीवर होता है और लो ग्रेड फीवर होता है कंटिन्यूअसली, तो फिर आपकी बॉडी कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इन्फेक्शन कैरी कर रही है, उसको आपको मेडिकली देखने की जरूरत है। लेकिन आपके अपने लेवल पे जो चीजें की जा सकती हैं वो ये हैं कि आप टाइम से खाना लें, प्रॉपर अच्छे से लिक्विड डाइट लें, प्लस आप अपने खाने में विटामिन B12 और डी शामिल करें। नेचर सोर्स से मिल पाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप सप्लीमेंट भी कर सकते हैं, टैबलेट या मतलब कैप्सूल के रूप में भी ये कंज्यूम कर सकते हैं। बट विटामिन डी और B12 एक इसेंशियल विटामिन है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को, इम्यूनिटी को, ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम एंड सोडियम इक्वली इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी जॉइंट्स की, मसल्स की या नर्व्स की जो हेल्थ है वो आपके मिनरल्स पे और विटामिन्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करती है, तो इससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ये लेने की कोशिश करें। कोशिश करिए कि मॉर्निंग में सन एक्सपोजर आपको मिल जाए कुछ समय, तो उससे ब्लड का सर्कुलेशन भी बेटर होगा, प्लस आपकी इम्यूनिटी रिवाइव होगी और प्लस आपको विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। लेकिन यदि फिर भी आपको डेफिशिएंसी लगती है, प्रॉब्लम लगती है, तो विटामिन डी आप कैप्सूल या सैचेट के रूप में ले सकते हैं और B12 भी आप कैप्सूल या टैबलेट के रूप में कंज्यूम कर सकते हैं। बट नेचुरली फूड के अंदर आप बादाम शामिल कर सकते हैं, एग आप ले सकते हैं, दूध आप पिए और आप फ्रूट्स में आप अमरूद और सेब आप शामिल करें, तो इससे आपको मिनरल्स भी मिलेंगे, सोलेबल फाइबर भी मिलेंगे और अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा और आपकी जो हेल्थ है वो ओवरऑल इम्प्रूव रहेगी। लेकिन ये सब नेचुरल मेथड आपने कर लिए फिर भी आपको यदि इस तरह का पेन बना रहता है तो आप खुद से मसाज कर सकते हैं, गर्म पानी से पूरा बात ले सकते हैं, 10 मिनट रात को आप दोनों पैरों को गर्म पानी में रख लीजिए, तो इससे भी आपके पेन में, लो ग्रेड फीवर में और आपकी जो स्टिफनेस है, जो आपका जॉइंट्स में पेन है, उसमें काफी आपको राहत मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो अच्छा होता है, तो ये एक नेचुरल वे है। लेकिन यदि इस तरीके से भी आपको फायदा नहीं होता है तो फिर आपको इस प्रॉब्लम को मेडिकली देखना होगा, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना होगा। डॉक्टर अपने लेवल पे आपके सिम्टम्स से डायग्नोसिस बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यदि सिम्टम्स से एक क्लियर कट कुछ डायग्नोसिस नहीं आता है, क्लैरिटी नहीं आती है, तो फिर कुछ ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि CBC, ESR है, CRP क्वांटिटिव है, LFT है आपका, MP है, बिडाल है, टाइफी डॉट है और यूरिन रूटीन एंड कल्चर। तो ये कुछ जांचें हैं, मिनिमम जांचें, इनसे कुछ आइडिया लग सकता है आपको कि आपको कोई ट्यूबरक्लोसिस, आर्थराइटिस या कोई अंडरलाइन ब्लड का इन्फेक्शन तो बॉडी नहीं कैरी कर रही है, उसके कारण भी आपको लो ग्रेड फीवर हो सकता है। टेस्टिंग के आधार पे, सिम्टम्स के आधार पे एक डायग्नोसिस बना के फिर आपको ट्रीटमेंट ऑफर किया जाएगा और उस ट्रीटमेंट से आप ठीक भी हो जाएंगे। यदि आपको लगातार ये प्रॉब्लम बनी रहती है और आपको, आपका केस पुराना है या आपका कोई डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, सेकंड ओपिनियन यदि आप हमसे चाहते हैं या हमें दिखाना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प कर पाए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।